जगदीश चंद्र बोस ने जब बताया कि पेड़ पौधों में जीव होते हैं, तो उससे पहले क्या पेड़ पौधों में जीव नहीं थे? जगदीश चंद्र बोस यानी कि 200 साल का इतिहास भगवान ने 2600 साल पहले बता दिया था। कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी भगवान को, हाँ, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से। सिर्फ पेड़ पौधों में जीव नहीं, पानी में भी जीव होते हैं, अग्नि में भी जीव होते हैं, पहाड़ों में पृथ्वी का जीव होते हैं। आज दुनिया मानती है कि पहाड़ बढ़ते हैं, माउंटेन भी अपनी हाइट को हर साल हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। प्रभु ने तो अपने ज्ञान में 2600 साल पहले कह दिया था कि पानी में जीव, आज साइंस स्वीकार करता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया, एक बूंद पानी का है ना, उसमें 36,450 जीव बैक्टीरिया एक ड्रॉप में। भगवान ने तो पहले से 2600 साल पहले कहा असंख्य जीव होते हैं पानी में, एक बूंद पानी में। सलाम करे उस प्रभु को, वंदन करे उन प्रभु को जिन्होंने केवल ज्ञान पाया और सुंदर सा धर्म हमको दिया। हम बहुत लक्की हैं। आप भी है ना, पानी में जीव होते हैं। आप खुद चॉइस प्रूफ कर सकते हो। कच्चा पानी लीजिए एक बॉयल में, गर्म पानी लीजिए और आप एक पेड़ के नीचे रखिए, एक ही दिशा में रखिए जिससे एक ही हवा मिले दोनों को। एक ही पेड़ के नीचे एक ही हवा, एक ही दिशा, दोनों पानी को मिलता है। 4-6 घंटे के बाद आप चेक करोगे ना, तो गर्म पानी वाला जो बॉयल होगा ना बॉयल, वो ज्यादा ठंडा होगा। कारण, रेगुलर पानी से गर्म पानी वाला बॉयल पानी वो ज्यादा ठंडा होगा। कारण, क्योंकि उन जीवों, क्योंकि उसमें जीव है, गर्म पानी में जीव नहीं है। उनमें जीव होता है तो उनका बॉडी टेम्परेचर उसमें रहता है, इसलिए वो थोड़ा नॉर्मल वो ज्यादा ठंडा रहेगा, ये ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा। कि खुद का बॉडी टेम्परेचर जीवों का आज भी है, ये प्रूफ कर सकते हो। प्रभु ने तो कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, केवल ज्ञान। सौभाग्य है हमारा कि प्रभु के शासन में जन्म हुआ है। आज तक उसका वैल्यू नहीं कर पाए, हमें क्या मिला है ना उसका हमें एहसास नहीं है। हम चक्रवर्ती बाप के गरीब बेटे हैं, चक्रवर्ती बाप के गरीब बेटे। हमारी स्थिति क्या है, हमारा बाप चक्रवर्ती और उसके भिखारी बच्चे हैं ना, वैसा है। प्रभु का ये धर्म मिलने के बाद भी उसका वैल्यूएशन नहीं कर पाए, और जिस दिन सच्चा वैल्यूएशन हो जाएगा ना, प्रभु के शासन के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। जब एक देश के एक शहीद होता है ना, देश के लिए जो शहीद होता है, आजादी से पहले भी कई शहीद हुए, 16 साल के, 14 साल के, 16 साल के युवान, वो बच्चे, वो भी शहीद हुए, क्योंकि उनको देश की वैल्यू मालूम पड़ी थी, मातृभूमि की वैल्यू मालूम पड़ी थी। जिस दिन प्रभु के शासन की हमें वैल्यूशन मालूम हो जाएगी ना, प्रभु के लिए शहीद भी होना पड़े ना शासन के लिए, तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं। वो वैल्यू मालूम होना चाहिए। मुझे सच बोलो ना, मुझे सबसे बड़ा तकलीफ और दर्द कभी होता है ना, यही होता है, हमें क्या मिल गया, उसकी वैल्यू नहीं है। कैसा धर्म मिला, कैसे प्रभु मिले, कैसा शासन मिला। एक छोटे से जीव को भी, आपका 5 साल 7 साल 10 साल का बच्चा भी है ना, एक छोटे से जीव को भी आप बोलो उसमें कि कॉकरोच पर पैर रखो, आपको 5 लाख रुपया दे देंगे। प्रभु के शासन का कोई भी आत्मा, आप 5 नहीं आप 10 लाख दे दोगे तो भी उस पर पैर नहीं रखेगा। कारण, ये हमारी होशियारी नहीं है, प्रभु का शासन मिला है ना, तो ऐसे संस्कार मिले हैं, ऐसे जीव दया के संस्कार मिले हैं। छोटे से छोटे जीव को शासन के घर में आया, और श्राविका के घर में आई, कीड़ी भी वो अपने आप को सेफ महसूस करती है, ये प्रभु के शासन का घर है, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। कितने उत्तम संस्कार, कितने जीव देवा के संस्कार। हमारी होशियारी नहीं है, प्रभु का शासन मिला है। वो मीरा जैसे घुंघरू बांध कर कृष्ण के लिए नाची थी ना, कभी कभी होता है हम कमरा बंद करके, खिड़कियां बंद करके नाचे प्रभु मेरा शासन मिल गया, अद्भुत प्रभु का शासन मिल गया।
नृत्य अंदर से हो, प्रभु के शासन मिलने का आनंद का आनंद का। समस्याओं को सुलझाना आसान कर सर्व दुख अवसान, जहां मर बने इंसान।